गाइस वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो फिलहाल आज का व्लॉग में हम एक जगह जाने वाले और वहाँ पे हम एक चीज बनाने वाले और क्या बनाएंगे तुम व्लॉग कंटिन्यू रखना, हम तुमको दिखाएंगे। तो चलो फिर चलते हैं। और काफी लोगों की कमेंट आई थी तुम गुजराती व्लॉग बनाओ, हम गुजराती व्लॉग बनाएंगे, तुम बस 10,000 सब्सक्राइब करा देना फिर हम गुजराती व्लॉग बनाएंगे। और हर्षित और करण बाजार गए कुछ सामान लेने के लिए। तो गाइस हमने इधर भी एक व्लॉग बनाया था। तो फिलहाल हम चलते हैं इधर बहुत दिनों के बाद। ये है कुछ जगह ये देखो बोर्ड तुम देख सकते हो। तो गाइस अब करण और रशीद आते हो गए, हम इधर वेट करते हैं उसका। तो पहले सारे के सारे जगह पर कुछ नहीं था, खुले मैदान था और अब इधर मकान बन गए तुम जैसे कि तुम देख सकते हो। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम इधर पे अब पतंग चकाने के लिए जगह नहीं बची। तुमने अभी देखा ये था सूर्य, तुम देख सकते हो बहुत ही तड़का आ चुका है। और हम खेत में चले गए और करण भी और आता ही होगा। सतीश हाँ। तुम घर रहना। तो फिलहाल अर्षित और करण आ चुका है, तुम देख सकते हो इसके चैनल भी है, इसके ऑफिशियल पार्टनर। गाइस तुमको पता चल गया होगा कि हम क्या बनाने वाले, हम आज भेल बनाने वाले हैं। हाँ, हमारा गुजरात का प्रोफिलर भेल। और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे बच्चे भी है और ये है एच के ऑफिशियल वाले। परवीन इधर साइकिल चला रहा है। अब तुम ये इसका इंट्रो स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइस हम चलते चलते जा रहे हैं सब लोग और हमको बहुत मज़ा आएगा। तो हम खेत में चलते हैं, फिर भी हमारा खेत इतना लंबा है तो आए नहीं रहा, रास्ता बहुत ही कठिन है इसलिए। तो फ्रेंड इधर से कच्चा रोड आता है और सभी लोग आगे चले गए, तुम दिखा ना पड़ो। तो और हर्षित और देवराज तो पीछे रह गए और ये भी आ गए और इधर में साइकिल नहीं चलाऊंगा लेकिन क्यों इधर फिलहाल कांटा है इसलिए हम इधर नहीं चलाते। तो गाइस परवीन हर्षित ने आए नहीं आया तुम दिख के आओ। हाँ आए आए इधर आ जाओ मैंने देखा। तो हर्षित ने आ गए हैं, वो बात करते करते आ चुके। हाँ आवाज आया परवीन। हाँ तुम क्या बनाओगे आज? आज हम भेड़ बनाने वाले हैं। तो ये है, ये है ममरे, ये है वीआईपी ममरे। हाँ तो गाइस पीछे आ चुके और सामने हर्षित जी आ गए और देवराज और पूनम भी है। इधर आ जाओ। तो अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आगे रास्ता कैसा है तुम देख सकते हो, पर हाँ। बताना। और यहाँ पे जिगर जा रहा है सामान लेके सारा। ऊपर बताओ ऊपर। और यहाँ पे बूढ़ी भी। तो यहाँ पे बहुत सारी भैंसे। तो यहाँ पे हर्षित जा रहा है। हर्षित तुम क्या कुछ कहना चाहोगे? जय माता जी। तो गाइस हम चलते चलते जा रहे हैं और यहाँ पे बहुत कठिन रास्ता है, अभी तो हमने बहुत दूर जाना है और बहुत कठिन रास्ता है। और मैं पीछे आ रहा हूँ और परवीन छिल्ले पीछे साइकिल लेके और मैं मेरी साइकिल लेके चला आ रहा हूँ। ये साइकिल 12 वर्ष पुरानी साइकिल है और मैंने अभी तक उसे संभाल कर रखी है क्योंकि ये मेरी पहली साइकिल थी मेरे लाइफ की, बेस्ट साइकिल साइकिल थी भाई। हमारा मजाक हो गया। तो सब लोग आगे चले गए और परवीन चौथे पीछे और परवीन से पीछे मैं हूँ। तो गाइस ये है बहुत सारे खेती, इधर तो गाजर उगे और तुम देख सकते हो ये कॉम्प्लेक्स। और पहले इधर क्या था तुमको पता है? इधर पहला क्रिकेट का मैदान था
और हम सब लोग खेलने भी आते थे और हम खाना भी नहीं खाते थे उस समय पर। अतः तो ऐसा समय हो गया कि हम कुछ नहीं करते, हम अभी रमते भी नहीं और आ तो हम घूमने के लिए फिर आ चुके इधर। अभी आ चुका है हमारे सामने स्वामी नारायण का मंदिर। ये है रेती करने का मशीन रिफाइन करने के लिए। तो करण ने इधर बहुत पतंग लूटे, तुम देख सकते हो। करण तुम क्या कहना चाहोगे? मैं जब उत्तरायण आती है तब ये हमारा बाजू में हमारा ही खेत है और बाजू में गांव है और गांव के लोग जो पतंग आसमान में उड़ा रहे होते हैं वो सभी हमारे खेत में आता है, इसलिए मैं पूरा दिन खेत में ही रहता हूँ और सांझ होते होते बहुत सारे पतंग इकट्ठे कर देता हूँ। तो जैसे मैं भी होता हूँ और डीए भी आता है, मैं भी इसके साथ होता हूँ। तो ये है तबेला इधर का, तुम देख सकते हो। तो वहाँ पे करण और रसी जांपा वाक रहा है। तो हम ऐसी कुछ जगह इधर कुछ जगह ढूंढेंगे और फिर हम बनाएंगे। तो ये खेत में भेज हो गया है। गाइस तुम भी देख सकते हो कि ये पानी है, बहुत शुद्ध पानी है और करण भर रहा है। ये हमारा कुदरती पानी है और बहुत ही सुंदर है पानी। और श्रवण भी पानी पीने गया है। तो फिलहाल हम इधर पहुंच चुके हैं और हम इसी जगह पर नाश्ता बनाएगा और हम बहुत सारी मौज करेंगे और अब इधर बनाएंगे। अब काम चालू करते हैं। अब और आज करण बहुत मेहनत कर रहा है। तो हम क्या कर रहे? तुम तो वीडियो शूटर हो। वो सही बात है। तो अब नाश्ते बनने का शुरुआत हो गया है, तुम देख सकते हो। और ये जो प्रवीण है इसमें मास्टरमाइंड है। हाँ, मैं प्याज छोल रहा हूँ। और इधर पे टमाटर पड़े हैं और हमारा प्याज हो गया है। तो लो करण रख दो उधर, हमारा भी हो गया। तो ये पबजी में आता है ये समसा, इसको आम देते है। ध्यान रखना अड़ ना जाए। बोला तुम कुछ कहना नहीं चाहते, क्या बोलोगे? देखो मेरे पास काट रहे। तो गाइस हम धनिया काट रहे हैं, इतनी निकली धनिया। तो ज्यादा लाना था पर आज रजा का दिन था इसलिए बाजार में मिला। रविवार था इसलिए। धनिया काटने का नहीं पत्ता बढ़ने का। ये मिर्ची कुछ काम में नहीं आएगी, ये हमको फ्री में मिली थी बट कुछ काम की नहीं है। ये हम किसी को दे देंगे जो नाइट के खाने को बनाने को काम आएगी, तलने के लिए। तो गाइस हमारा अर्धा काम हो गया है। अगर ही जाओ तुम देख सकते हो बहुत सारा प्याज कट गए और टमाटर और धनिया। और ये कुछ समय जड़ बनाने का, ये ममरा और अर्षिधर इनका खा रहा है। हाय फ्रेंड्स, तो कुछ बोलो, क्या कर रहे हो आप सब, मजे में हो ना? करण सिंह को तो कुछ बोलो कि वो बोले। करण सिंह तुम तो कुछ बोलो। हम अपने काम में बिजी है। तो ये करण सिंह कुछ काम में बिजी है और हम शूटर है इसलिए हम वीडियो शूटर है इसलिए हम कुछ काम नहीं करते। शूटर तो बंदूक चलाने वाले को बोलते हैं। हम दोनों वीडियो शूटर है। हम दोनों वीडियो शूटर है। और तुम्हारे चैनल का नाम क्या है?
मेरी चैनल का नाम है आज के ऑफिशियल पाटन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस हमारा पानी खुटा है इसलिए हम पानी भरने के लिए जाते हैं, तो फिलहाल हमको जहाँ से पानी लाया था हमको इधर चलना पड़ेगा। और ये जमीन में दो दिन पहले पानी वाला था इसलिए भेज वाला जमीन है। टप हम तो टप लेते आए लाओ। और हमारी जगह सामने है। और सीध आपको कहना चाहोगे? नहीं मुझे कुछ नहीं कहना। तो गाइस हम पानी लेके आ चुके हैं। तो गाइस हमने बहुत सारा काम कर लिया, अब थोड़ा ही बाकी है फिर हम बना देंगे पेड़। देखो बम पकड़ अब लोग जो पाड़े ना अगर कौन करण ने तड़का बना दिया है और ये आलू है। तो गाइस हमारा इतना हो गया है और अब ये नाखेंगे और अब टमाटर नाखेंगे फिर हमारा भेड़ तैयार हो जाएगा। और सेब तो बाकी है, ये अभी बाची है और करण इसका कारीगर है वो सब करता है। हमारा खाना तुम देख सकते हो, करण बताना। गाइस हम इधर झूला सतो ना गुण शब्दो सांभळी ए मार जी भलड़ी हमारी भेड़ कंप्लीट हो गई है, अब हम इसको घाट के हम खाएंगे। तो गाइस हमारी भेड़ कंप्लीट हो गई और सब लोग खाने बैठ गए, तुम देख सकते हो कैसी बनी भेड़। सुपर मजा आया। तो चलो अब मैं भी खाता हूँ। तो गाइस हमने खा लिया है और हमने सब लोगों ने भर भर के खाना खाया और मैंने भी आधी सौ खाई और ये सब ये वहाँ ने सब लोगों ने
चार चालीस खाली। और आज के लिए बस इतना ही, इस लोग को मेहनत करते, ओके बाय।